बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव से यूपी के तमाम जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। यास के प्रभाव के कारण यूपी के तमाम जिलों में 5 दिनों तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन को इस संबंध में सारी तैयारियां करने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक साइक्लोन के कारण प्रदेश के 27 जिलों में 24 से 28 मई के बीच भारी बारिश की आशंका जताई गई है। प्रशासन को इस संबंध में एडवाइजरी जारी करते हुए सरकार ने अलर्ट रहने और हर जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। लखनऊ शहर में गुरुवार से मौसम बदल सकता है। लखनऊ के अलावा प्रदेश के मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल, बदायूं, कासगंज, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर, देवरिया, संत कबीर नगर और कुछ अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी में बने यास चक्रवात का प्रभाव प्रदेश में भी दिख सकता है। इससे बारिश और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि इससे मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। साइक्लोन यास के प्रभाव के कारण बारिश से कई शहरों में गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। बारिश के कारण तमाम इलाकों में तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। हालांकि प्रशासन वर्षा जनित किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिससे कि किसी भी अप्रिय स्थिति में हालातों पर काबू पाया जा सके।